फुल स्पीड में जा रहा, जो कि भाई फॉर्चूनर काफी तगड़ी तो लग रही है ऑफ रोडिंग वाली है, और जो कि सेवंथ गियर में 500 प्लस इसकी स्पीड। और भाई एक है स्पीड हल्की रख लेते हैं भाई, ये आगे वापस भयंकर ठुक्का नहीं है जिसने हागा हो अपना परफॉर्मेंस, सारी कारों ने तगड़ा भी अपनी आराम से निकल जाएगी या नहीं भाई निकलेगी। लेकिन भाई अभी अपनी थान ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है निकाल के, तो भाई जैसे कराते हैं पहुंच पाएगी या नहीं भयंकर, पता चली गलत लेवल पे ठुके जो कि भाई भिड़ने तो नहीं चाहिए भाई, हल्की सी डैमेज हुई थी भाई रैंप में जो कि भाई भिड़ना तो नहीं चाहिए। चलो काफी प्यारा खतरनाक सा। तो पब्लिक पब्लिक क्या हालचाल, पब्लिक हम आ चुके हैं कौन नए खतरनाक से गेम प्ले में वापस। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5, और भाई फिर अपने पास अपना एक कौन नया खतरनाक सा रैंप जो कि भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जो कि भाई हमने काफ़ी तगड़ा तो बना के रखा है भाई। अपना रैंप पे कुछ ऐसे बना हुआ है भाई, आपको दिख रहा होगा नीचे तक। और भाई हमने एक बार और पहले भी ट्राई कराया लेकिन भाई वो इधर सामने नहीं था, वो था अपना इधर, जिसकी वजह हमने लोकेशन चेंज करी भाई। लास्ट टाइम हमने बोला था भाई हम इस पर टारगेट रखेंगे इसी रैंप से अपना फैक्ट्री का, जो भाई आपको नीचे अभी मैं फैक्ट्री दिखाऊंगा उस तक हम टारगेट रहेंगे। लेकिन भाई इससे पहले हमने इस पर ट्राई की थी अपनी सुपर कार, लेकिन भाई आज हम लेकर आए इस पर अपनी इंडियन कार कुछ नए चैलेंज के साथ, जो कि भाई हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम फैक्ट्री के ऊपर भाई अपनी कार कुदाएंगे किसी और टाइम, तो भाई हम उस चैलेंज को अब लेके आ चुके हैं। बात करें अपनी इंडियन कारों की, तो भाई ये अपनी इंडियन कार इसमें आज अपनी हुंडई वालों की होंडा सिटी, ये हुंडई वालों की भाई SCG भाई काफ़ी तगड़ी सी कार है अपनी, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो S10। और भाई बात करें इस वाली कार की, तो भाई ये भी हुंडई वालों की काफ़ी ख़तरनाक सी कार है। तो भाई स्टार्टिंग भी हम इससे करने वाले हैं, देखते हैं अपनी कार क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। तो भाई चलते हैं अपनी कार को जरा नीचे लेके, भाई देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, अपनी कार पहुँच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि भाई चैलेंज अपना पता नहीं पूरा कर पाएगी या नहीं कार, जो कि भाई सब अपनी SUV थी तो भयंकर भाई ठुकी तो काफ़ी ज़्यादा गलत है। लेकिन भाई वो रही अपनी फैक्ट्री, आपको दिख रही होगी क्या गलत ही धुआं निकल रहा भाई, वो अपना टारगेट है आज का। अगर कार अपनी पहुंच जाए तो ये भाई थोड़ी सी रहेगी भयंकर भाई, उसके पार्किंग एरिया में गिरी है अपनी कार आके भाई से जरा पीछे लेके सीधी करते हैं कार को। बाकी भाई अंदर की बात करें तो भाई इधर से मेरे को मुश्किल लग रहा जाना जा पाएगी। ऑल राइट गाइस, हम इस टाइम अपनी फैक्ट्री के अंदर भाई अपनी तो नहीं, लेकिन भाई जो अपना टारगेट था वहाँ तक हम आ चुके हैं। बात करें कार की तो भाई हमने फैक्ट्री में भी फुल अंदर घुसा दिए, तो इसको छोड़ते हैं इधर ही और लाते हैं अपनी नेक्स्ट कार जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं इस टाइम पर ऊपर, और भाई अब बारी अपनी स्कॉर्पियो S। भाई चलते हैं यार अपनी स्कॉर्पियो को नीचे लेके, भाई देखते हैं इसके साथ क्या सीन होता है, भयंकर अपनी कार कर पाती है नहीं, क्योंकि भाई मेरे को तो मुश्किल लग रहा है अभी से, इतनी आवाज़ कर रही है। स्पीड हल्की रख लेते हैं भाई, ये आगे वापस भयंकर ठुक्के भाई, ये गलत सीन यार, इसे जरा फिर से ऊपर लेके चलते हैं और नीचे लाते हैं दोबारा। ऑल राइट गाइस, हम अपनी स्कॉर्पियो S10 लेके फिर से वापस, जो कि भाई मेरे को तो इस कार का काफ़ी मुश्किल लग रहा भाई, नहीं हो पाएगा। ऑल राइट गाइस, तो एक लास्ट ट्राई और भाई, अब क्या हो गया तो हो गया, वरना भाई हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाले। और भाई कार अपनी फिर वापस भेज कर ये ठुक्के, तो भाई इसको क्या बोल रहे हैं भाई, इसको अभी इधर ही पार्क कर देते हैं नीचे आराम से और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपनी होंडा सिटी की, देखते ये क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो ने तो काफ़ी गलत परफॉर्मेंस दिया अपने को भाई, वो भयंकर रैंप से जंप ही नहीं कर पा रही। लेकिन भाई इस कार का देखते ये क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई अभी तक काफ़ी अच्छी स्पीड में, और भाई काफ़ी प्यारा जंप तो मारा अपनी होंडा सिटी ने, और भाई मेरे को लग रहा है फैक्ट्री को क्रॉस तो कर देगी आराम से, जो कि भाई साहब अपनी कार ने ऑलमोस्ट कर ही दिया। और भाई ये फैक्ट्री के अंदर गिरी है आके, जहाँ पे भाई साहब पूरे इनके ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं काफ़ी तगड़े तगड़े। तो भाई बात करें कार की, तो भाई कार ने परफॉर्मेंस काफ़ी ख़तरनाक दिया निकाल के। और भाई बात करें फैक्ट्री के पोल्यूशन की, तो भाई ये देखो भयंकर के ख़तरनाक धुआं निकल रहा फैक्ट्री में से। बाकी भाई कार ने अपनी ने काफ़ी ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी, और भयंकर ये मैंने इधर अटका दी भाई, इधर से निकालता हूँ मैं इसको भाई, निकल जा निकल जा। राइट गाइस, कार हम लेके आ चुके हैं अपने, जिसने भाई साहब अपना टारगेट ऑलमोस्ट पूरा कर ही रखा है। और भाई अपनी पूरी फैक्ट्री है भयंकर इधर ख़तरनाक बनी हुई है, लेकिन मैं उससे ख़तरनाक निकल रहा भयंकर इसमें से धुआं। तो भाई कार ने अपने टारगेट पूरा कर दिया, तो इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपनी हुंडई वालों की, SUV है काफ़ी तगड़ी सी भाई, ये रही अपनी हुंडई लिखा हुआ है इसके ऊपर भी, पता नहीं भाई काफ़ी पुरानी सी तो मैं नहीं बोल सकता भाई, ठीक ही कार है अपनी। तो भगाते हैं इसको भी जरा फुल स्पीड में, और मेरे को तो लग रहा भाई आराम से जंप कर जाएगी भाई, काफ़ी प्यारा जंप मारा भाई स्कॉर्पियो से, ठीक है भयंकर। वो भाई मैंने 4 बार ट्राई करी, 4 बार ठुक के वापस आ गई, लेकिन भाई ये कार चलो ठीक है अपनी। और भाई ये मेरे को लग रहा फैक्ट्री के बाहर तो गिरने वाली है,
अंदर तो मैं नहीं बोल सकता कि ये गिरे भयंकर भाई, इधर रुक जाएगी अभी भाई। कान ने भाई अपना टारगेट पूरा कर दिया, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया दिया निकाल के। तो भाई इससे मारते हैं एक राउंड पूरा और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा थार की 4x4, जो कि भाई नॉर्मल है, मैंने मॉडिफिकेशन नहीं है इसमें भाई, सिर्फ अपनी ऊपर की जो छत है वो निकली हुई है, बाकी भाई सब नॉर्मल है थार में। तो भाई सभी चलते हैं जरा नीचे लेके, देखते हैं अपनी थार के उखाड़ पाती इधर, जो कि 7th गियर में 500+ इसकी स्पीड, और भाई एक फ्लिप तो हम लगवाई देंगे आराम से जाते जाते भाई सब बढ़िया। बाकी भाई अपनी फैक्ट्री के अंदर गिनने वाली, लेकिन भाई अपने को एक कार फैक्ट्री के ऊपर गिरानी है भयंकर एकदम टॉप पे, जो कि भाई इसकी लैंडिंग काफ़ी बढ़िया हुई है अपनी थार की। भयंकर भाई इधर वर्कर वर्कर लगे हुए हैं, मगर भाई थार ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी अपनी निकाल के। बात करें कार की तो भाई अभी भी चलो वर्क प्रॉपरली कर रही है एकदम बढ़िया, और अपनी भाई अपनी थार ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया निकाल के। तो भाई इससे भी अगर हम एक राउंड लगवाएं तो भाई इधर काफ़ी ज़्यादा गलत सीन तो हो सकता है, अगर भाई मैंने कार इनमें भिड़ा दी भाई, इनमें पूरा भाई फुल डीजल वीजल पेट्रोल भरा हुआ तेल वेल अपना काफ़ी गलत लेवल में भयंकर ब्लास्ट होएगा यार वैसे फैक्ट्री में भाई, कभी ट्राई करेंगे। लेकिन भाई अभी अपनी थान ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है निकाल के। तो भाई इधर कराते हैं इधर से जंप और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अपने पास है फिर अपनी खतरनाक इंडियन कार, जिसमें अपनी डस्टर, टोयोटा वालों की नोवा, MG हेक्टर, टाटा वालों की हैरियर, भाई सुजुकी ब्रेजा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी भाई डस्टर लेके, चलते हैं देखते हैं अपनी डस्टर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। तो भाई चलते हैं अपनी डस्टर को जरा नीचे लेके भाई, देखते हैं ये क्या उखाड़ पाती है, क्योंकि भाई और कारों ने काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस दे रही है भाई इस रैंप पे निकाल के। आगे का सीन पता नहीं होगा क्या, लेकिन भाई अभी तक तो अपना रैंप काफ़ी बढ़िया और भाई जो टारगेट है अपना वो कार पूरा कर रही है। लेकिन भाई ये थोड़ी सी मेरे को लग रहा आउट तो नहीं भाई, नहीं ठीक जा रही है कार अपनी, फैक्ट्री के अंदर गिरेगी एकदम जाके। और भाई ये काफ़ी गलत तो मैं बोल रहा हूँ ऊपर भयंकर भाई डस्टर में इस टाइम पर आग लग चुकी है भयंकर, अगर भाई साहब इधर ब्लास्ट हुआ तो सीन गलत हो सकता है भाई। माइकल बाहरा पहले जल्दी, ये ब्लास्ट नहीं होने वाली, सिर्फ धुआं आग हल्की सी लगी है भाई। इधर अपना फ्यूल व्यूल काफ़ी खतरनाक पड़ा हुआ है इधर तेल वेल फैक्ट्री में। तो भाई लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी, क्योंकि भाई डस्टर में से तो आग लग चुकी है, परफॉर्मेंस ठीक दी है निकाल के उसने। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर और भाई अब के हम लेके चलने वाले हैं अपनी सुजुकी वालों की ब्रेजा, देखते हैं अपनी ब्रेजा क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई कार अपनी बढ़िया तो लग रही है येल्लो कलर में। भगाते हैं इसको जरा फुल स्पीड में भाई, देखते हैं अपने टारगेट तक पहुँच पाती है नहीं, जो कि भाई मेरे को लग रहा है आराम से पहुँच जाएगी कार, काफ़ी स्लो मोशन में अपनी जा रही है आराम से, और भाई ये फैक्ट्री के अंदर तो पहुंच जानी चाहिए आराम से। ऑल राइट गाइस, तो भाई कार अपनी फैक्ट्री के अंदर तक ऑलमोस्ट आ गई आराम से स्लो मोशन में आती आती, और भाई ये बांधने चली जाए बस, और भाई ये सीधी बाहर अपनी फैक्ट्री भी इसने क्रॉस कर दी भयंकर अपनी सुजुकी वालों की ब्रेजा ने। तो भाई इससे आते हैं बाहर, क्योंकि भाई चलने वाली तो भयंकर अब है नहीं, तो भाई इससे आते हैं बाहर। और भाई कार की बात करें तो अब वो डूब चुकी है नीचे भाई, ब्रेजा ने काफी खतरनाक दिया परफॉर्मेंस निकाल के। तो भाई लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपने टोयोटा वालों की नोवा की, देखते हैं अपनी नोवा क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर इधर निकाल के। और भाई इसमें पहले ही हल्का सा डेंट आ गया, बाकी भाई कार की बात करें तो ड्रिफ्ट तो काफी गलत लेवल पे होने वाली है, बाकी भयंकर भाई ये स्कॉर्पियो वाला सीन इसके साथ भी भाई पूरी भिड़ गई आगे से भाई, जरा घुमा के ऊपर से लाते हैं दोबारा। ऑल राइट गाइस, हम अपने टोयोटा वालों की इनोवा लेके फिर से वापस, और भाई ये थोड़ी ड्रिफ्ट ज़्यादा हो रही है, तो भाई अब क्या चली जा जंप कर जा। चलो भाई करेगी बढ़िया, अपना प्यारा सा जंप मारा है इसने, लेकिन भाई ये फैक्ट्री पे तो मेरे को नहीं लग रहा जाएगी, अब पता नहीं भाई सीन कुछ भी हो सकता है इधर। और ये भाई फैक्ट्री को क्रॉस करेगी या नहीं, भाई डस्टर अपनी अभी भी नीचे पड़ी हुई है, बाकी अपनी कार फैक्ट्री के अंदर गिरी है आके। बाकी भाई बात करें कार की तो परफॉर्मेंस काफ़ी ख़तरनाक तो मैं नहीं बोलूँगा कि दिया, हाँ भाई 2 बार में कार अपनी आई है। बाकी भाई कार का हाल काफ़ी बेहाल हो चुका, काफ़ी गलत लेवल पर भयंकर अपनी कार डैमेज हो चुकी है इनोवा। बात करें कार की तो भाई अभी भी चल रही ठीक है, तो भाई इसे ज़रा सामने से इधर भगाते हैं फुल, कराते हैं इधर से जंप भाई, देखते हैं अपनी कार भयंकर आगे जाके क्या सीन होएगा। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क, लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से अब। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपने टाटा वालों की हैरियर की, और भाई ये भी कुछ अलग लेवल पे ड्रिफ्ट होती है भयंकर, तो भाई से भी आराम से लेके चलना पड़ेगा, पता चली भाई इसके साथ भी इनोवा वाला सीन होगा भाई, ये चीज़ भयंकर भाई, इसकी स्पीड अपने को दोबारा बनानी पड़ेगी, अभी ऊपर से लानी पड़ेगी दोबारा ये। ऑल राइट गाइस, भाई मैं तो पीछे लेके आया था, और भाई इसके डोर वोर अपने
रैंप भाई भयंकर काफी गलत लेवल पर डैमेज हो चुकी है भयंकर कार अपनी, क्योंकि भाई ये ड्रिफ्ट इतनी हो रही थी। लेकिन भाई चलो कार ने जंप तो काफी ठीक मारा, लेकिन भाई मेरे को तो नहीं लग रहा ये फैक्ट्री के पास जा रही है। नहीं भाई फैक्ट्री के पास ही जा रही है, कार अपनी काफी स्लो मोशन में जाती हुई एकदम भयंकर बढ़िया। और भाई ये मेरे को लग रहा पार्किंग में तो नहीं भाई, ये बाहर तो जाने वाली है भाई ब्रेजा की तरह मेरे को। क्यों नहीं भाई ये नहीं जाएगी अब, तो भाई अपने फैक्ट्री के काफ़ी क्लोज में गिरेगी भयंकर भाई, इसके ऊपर और गिरनी चाहिए फैक्ट्री के टॉप पे एकदम जम मजा जाएगा। कि भाई कार अपनी ऑलमोस्ट आ चुकी है नीचे, भाई काफ़ी प्यारी तो लग रही थी कार अपनी, लेकिन भाई जो डैमेज हुई है आती आती है काफ़ी गलत लेवल पे। और भाई जो अभी भी चल रही है कार भाई, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, टायर वायर सारे जा चुके हैं कार के अपने, पूरी ख़त्म सी हो चुकी है, लेकिन भाई फिर भी इंजन में पावर है अभी भी। कार अपनी एक नंबर चल रही है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी दे रही है, हैरियर निकाल। तो भाई इसको भगाते हैं इधर से जल्दी, भगाते हैं से भी फुल स्पीड में, जो कि भाई कद्दू नहीं जाने वाली इधर से कुछ भी। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी एम जी एक्टर की, देखते हैं अपनी एम जी एक्टर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, क्योंकि भाई सारी कारों ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है भाई, ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसने हागा हो अपना परफॉर्मेंस, सारी कारों ने तगड़ी दी। और भाई कार अपनी ऑलमोस्ट फैक्ट्री के मतलब नहीं बोलूँगा, मगर हाँ भाई उससे थोड़ा क्लोज में गिनने वाली है, क्योंकि भाई इसे आगे से थोड़ा मत्था ज़्यादा ही भीड़ गया था, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज में गिर गई फैक्ट्री के बैंक भाई, थोड़ी दूर गिरी है भयंकर फैक्ट्री से अपनी भाई, काफ़ी क्लोज में नहीं है कार अपनी। बात करें कार की परफॉर्मेंस की तो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी कार ने निकाल कर, भाई जो धुआं निकलता ना भाई फैक्ट्री में तो काफ़ी गलत निकल रहा है भयंकर। बाकी भाई कार की बात करें तो हाँ भाई अभी तक ठीक है अपनी, वर्क खतरनाक कर रही है, और भाई डस्टर अपनी अभी भी इधर पड़ी हुई है। भाई देख पूरा राउंड मारते हैं यार अपनी फैक्ट्री का, भाई काफ़ी आराम से मारेंगे भयंकर भाई, वरना सीन हो सकता है, क्योंकि भाई सामने फ्यूल है काफ़ी गलत वाला ब्लास्ट हो सकता है। ऑल राइट गाइस, तो कान ने भाई एमजी ने काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस दी अपनी निकाल के, तो भाई इसे कराते हैं इधर से जंप भयंकर और लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, भाई फिर अपने पास अपनी काफ़ी खतरनाक सी कार, जिसमें हंडई वालों की i20, हंडई वालों की वन, और भाई साहब महिंद्रा वालों की अपनी बुलेरो, हंडई वालों की क्रेटा और अपनी महिंद्रा थार, जो कि भाई पूरी भयंकर अपनी आपके वाइट कलर में है, काफ़ी ऑफ रोडिंग वाली है भाई ये। इससे पहले जो ट्राई की थी भाई हमने वो सिंपल थी एकदम, लेकिन भाई ये काफ़ी ख़तरनाक लेवल पर ऑफ रोडिंग वाली है। तो भाई इसको भी चलते हैं ज़रा नीचे लेके, देखते हैं भाई साहब अपनी थार की परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई वाइट कलर में लग तो काफ़ी तगड़ी रही थी, लेकिन भाई साहब मैं बोलूँ तो काफ़ी सीन गलत हो चुका है इसके साथ भाई, आगे से तो भिड़ी है, जिससे भाई अपनी स्पीड काफ़ी कम सी तो आई है कार की निकल के भयंकर, वरना भाई काफ़ी तेज़ी स्पीड थी थार की। और भाई ये काफ़ी फैक्ट्री के टॉप पे तो नहीं, लेकिन भाई अंदर तक तो गिरी है ये भयंकर। बात करें कार की तो भाई परफॉर्मेंस में बोलूँ तो ठीक ही दी है निकाल के थान ने अपनी ने, भाई भगाए से फुल, तो भाई पीछे से डैमेज हो चुकी है, बाकी अपनी कार ओके है। उधर ले जाके करते हैं पार्क भाई, सामने से भगाएंगे निकल पाएगी या नहीं, भाई निकल गई आराम से। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपनी हंडई वालों की i20 की, जिसमें भाई इसमें हर बारी पता नहीं क्यों साउंड नहीं आ पाता कार में, काफ़ी हल्का सा साउंड आता भयंकर। और भाई बात करें कार की तो भाई मेरे को तो नहीं लग रहा इससे हो पाएगा, काफ़ी गलत भीड़ है। चलो भाई एक और बार और ट्राई कर लेते हैं भयंकर इसको। राइट गाइस, हम अपनी i20 लेके फिर से वापस, और भाई अब क्या अगर हम इसे जंप कराएं तो भाई चलो जंप तो मारेगी, लेकिन भाई काफ़ी क्लोज में तो जाने वाली है भयंकर ये, क्योंकि भाई इसकी स्पीड इतनी थी नहीं, और भाई मेरे को तो क्लोज में नहीं भाई, काफ़ी दूर गिरी है अपनी फैक्ट्री से तो आगे। बाकी भाई बात करें कार की तो भाई चलो अभी तक ठीक ही है, तो इसको भाई मैं क्या फैक्ट्री के अंदर तो नहीं यार, इधर ही छोड़ देते हैं और लाते नेक्स्ट कार अपनी। चलो भाई इसको जरा पार्किंग में पार्क कर देते हैं और लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपनी हंडई वालों की वरना की, देखते हैं अपनी वरना क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर इधर निकाल के, जो कि भाई कार काफ़ी ठीक ठाक लग रही है भाई, अपना लुक काफ़ी तगड़ा आ रहा कार का। बाकी कार की बात करें तो भाई जंप में बोलूँ तो ठीक ही मारा अभी तक, भाई पता चले अपनी फैक्ट्री तक पहुँचेगी या नहीं भयंकर, क्योंकि भाई इधर अपना पूरा ही माउंटेन एरिया है। बाकी भाई मेरे को लग रहा है अपने पार्किंग एरिया में गिनने वाली है, हाँ भाई उधर ही गिरेगी ये सीधी, भाई सीधी गिरी है भयंकर भाई साहब, क्या खतरनाक जंप हुआ इसका बैक फ्लिप। ऑल राइट गाइस, तो भाई कान ने काफ़ी खतरनाक वाली बैक फ्लिप मारी भयंकर,
बाकी भाई कार की बात करें तो भाई परफॉर्मेंस काफी तगड़ी दी अपनी वरना ने निकाल के भाई पीछे से वैसे कार अपनी ओके भाई अगर देखोगे तुम, लेकिन भाई अगर आगे से देखोगे तो भाई पूरी ऑलमोस्ट खत्म सी ही हो चुकी है कार अपनी। भाई इसको जरा इधर लेके चलते हैं और करते हैं पार्क भाई, भगाते हैं इधर से सीधी सामने की तरफ जंप कराएंगे और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। भाई ये सीन हम हर कार के साथ करने वाले हैं अब। राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई बारी है अपनी हंडई वालों की क्रेटा की, देखते हैं अपनी क्रेटा इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी तो लग रही है रेड कलर में अपनी भाई टॉप मॉडल है 2024। बाकी भाई कार की बात करें तो भयंकर काफ़ी गलत नहीं भीड़ इधर भाई, जरा ऊपर से दोबारा लाते हैं घुमा के अब। ऑल राइट गाइस हम अपनी क्रेटा लेके फिर से वापस भाई आपकी ओर देख लेते हैं अपनी क्रेटा क्या कर पाती है, और भाई इन्हें काफ़ी गलत परफॉर्मेंस नहीं थी भयंकर अपनी क्रेटा ने निकाल के इधर। बाकी भाई चलो कार ने जो भी परफॉर्मेंस दी ठीक ही है, तो भाई इसको करते हैं इधर क्या पार्क भाई, थोड़ी आगे लेके चलते हैं इधर भाई फंस गई। राइट गाइस तो भाई हम कार को अपनी इधर लेके आ चुके हैं, वैसे भाई बात करें कार की तो भाई परफॉर्मेंस तो इतनी खास नहीं थी निकाल के कार ने, लेकिन भाई चलो फिर भी चल ठीक ही रही है भाई, हम कैसे भी करके इसे तोड़ फोड़ के फैक्ट्री तक तो हमने ला के खड़ी कर ही दी है, तो भाई इसको करते हैं अभी इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। और राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब भाई अपने पास अपनी महिंद्रा वालों की बलैरो 2022 मॉडल अपना है, जो कि भाई वाइट कलर में काफ़ी ख़तरनाक तो लग रही है अपनी भाई, फुल एकदम ब्लैक विंडो काफ़ी तगड़ी कार लग रही है, तो भाई इसको भगाते हैं ज़रा देखते हैं अपनी कार ये पहुँच पाएगी या नहीं। भयंकर पता चली गलत लेवल पर ठुके, जो कि भाई हल्के से तो डेंट आया इसमें आगे की तरफ भाई, भिड़ी तो है काफ़ी ख़तरनाक, और ये भाई मेरे को लग रहा है अभी काफ़ी दूर तो गिनने वाली है फैक्ट्री से, लेकिन भाई हम इसे फिर भी फैक्ट्री के अंदर ही पहुँचाएंगे। और भाई ये पेड़ में नहीं भिड़ी भयंकर कुछ ज़्यादा ही गलत। बाकी भाई कार की बात करें तो मैं अभी तक परफॉर्मेंस में बोलूँ ठीक ही दी थी निकाल के भयंकर, मगर अपनी फैक्ट्री में गिरती आगे तो और मज़ा आ जाता कार में। ऑल राइट गाइस कार हम लेके आ चुके हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी स्पीड में भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो भयंकर दे रही है निकाल के भाई, से ज़रा इधर लेके चलते हैं जंप कराते हैं उधर से भाई, रुक जाए इधर ही पाइन में नहीं भिड़ जाइए कोई भाई, लास्ट में जो ट्राई करेंगे उन कारों को भिड़ाएंगे ज़रा एक बार ला के इधर। एक्चुअल में सीन होता क्या है कार जब इनसे टकराएंगे तो भाई से भगाते हैं अभी फुल इधर से, कार ने काफ़ी ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी है निकाल के, तो भाई लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से अब। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अपने पास अपनी और नई ख़तरनाक सी कार, जिसमें अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो एन भाई अपनी XUV 700 महिंद्रा वालों की, और भाई ये भी महिंद्रा वालों की पता नहीं कौन सी भाई नाम बताऊँ मैं, सुजुकी वालों की सियाज, और भाई अपने टोयोटा वालों की ग्लैंजा मेरे ख्याल से ग्लैंजा वी। तो भाई स्टार्टिंग में अपनी इस वाली कार से करने वाले हैं, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी लग रही है येल्लो कलर में, तो भाई चलते हैं इसको भी ज़रा नीचे लेके देखते हैं भाई, हल्की सी तो ड्रिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है। बाकी भाई जंप काफ़ी ख़तरनाक मारा अपनी कार ने, जहाँ काफ़ी अच्छी स्पीड में रही है कार अपनी, और भाई मेरे को तो मुश्किल लग रहा है कि फैक्ट्री के अंदर पहुँचेगी, और भाई ये काफ़ी क्लोज में तो नहीं भाई, थोड़ी सी तो दूर गिरी है अपनी फैक्ट्री से, और भाई कार अपनी ऑलमोस्ट ख़त्म सी ही हो चुकी है इधर से भयंकर। और भाई इधर कुछ ट्रेन व्रेन खड़ी है अपनी गलत ही भाई, फ्यूल व्यूल भरा हुआ होगा इसमें। बात करें कार की तो भाई परफॉर्मेंस ठीक ही थी कार ने निकाल के, भाई थोड़ी सी रहेगी अपनी, अगर हल्की सी और आगे गिरती तो भाई हमें तो फैक्ट्री के अंदर तक काफ़ी बढ़िया काम हो जाता अपना, भाई कार काफ़ी खड़ी है इधर पार्किंग में लगी हुई, तो अपनी कार को भी करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी है अपनी सुजुकी वालों की सियाज की, जो कि भाई ब्लैक कलर है, नहीं अभी ब्लू है, नहीं भाई एकदम जेड ब्लैक कलर है अपनी सुजुकी सियाज का, तो देखते हैं अपनी सियाज इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड में और भाई काफ़ी प्यारा जंप कान ने मारा भयंकर। और भाई बात करें कार की तो भाई ठीक ही है परफॉर्मेंस अभी तक ठीक आ रही है निकल के, भाई कार ठीक ठाक जा रही है अपनी फैक्ट्री के अंदर तो गिरने वाली है अपनी ये 100%, बाकी भाई ये अपनी छत पे गिरेगी है बाहर कुछ कह नहीं सकते भयंकर, भाई छत पे काफ़ी गलत स्पीड में तो गिरी है, और भाई ये मेरे को नहीं लग रहा सीधी भी हो पाएगी या नहीं, भाई हो जाए सीधी भाई, रुको जरा सीधी चलो करते हैं इधर से नीचे, तो आराम से उतार ही देंगे हम इसे भयंकर, भाई पूरी फ्लिप खा गई भाई, डबल फ्लिप मार दी भयंकर पूरी भाई, हो जाए सीधी। राइट गाइस तो कार भाई हम सीधी करके लेके आ चुके हैं इधर, जो कि भाई कार अभी तक भी ठीक ही चल रही है अपनी भाई, परफॉर्मेंस ठीक दे रही है निकाल के, बाकी भाई कार ने जंप भी ठीक मारा अपना, भाई चलते हैं सामने की तरफ लेके और भाई कराते हैं खतरनाक सा जंप कुछ ऐसे वाला,
और भाई लाते हैं अपनी नेक्स्ट कार जल्दी से, क्योंकि भाई सियाज ने तो काफी सही परफॉर्मेंस दिए भयंकर निकाल के। और राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब लेके चलने वाले हैं अपनी हम XUV 700 महिंद्रा वालों की। देखते हैं भाई अपनी XUV क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के। और भाई अपनी XUV 700 काफी बढ़िया स्पीड में तो जाती हुई, मगर भाई ये SUV तो मत थन का गलत ही भिड़ेगा भयंकर भाई, और कारों का भी साथ ये सीन हो सकता है अपना। बाकी भाई कार में बोलूँ तो भाई फैक्ट्री के तो क्लोज में तो नहीं जाने वाली इतनी है। चलो भाई जिधर भी आइए फिर भी ठीक है, हम फैक्ट्री के अंदर तो पहुँचा ही देंगे इसको आराम से। बाकी भाई कार अपनी ठीक है, चलो परफॉर्मेंस बढ़िया दे रही है निकाल के भाई सर, उधर से घुमा के लाते हैं पूरी। बाकी भाई डैमेज की बात करें तो भाई पीछे से कार अपनी वैसे ओके है, पीछे भाई पीछे से वो लोग के अपनी कार, लेकिन भाई आगे से काफ़ी ज़्यादा गलत डैमेज हुई है। बाकी भाई कार की बात करें तो हाँ भाई ठीक ही परफॉर्मेंस दिए कार ने निकाल के, तो भाई से भगाते हैं इधर से ज़रा फुल स्पीड में, देखते हैं अपनी कार इधर क्या परफॉर्मेंस देगी भयंकर निकाल। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो N की, तो भाई इसको भी चलते हैं नीचे लेके, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी तो लग रही है रेड कलर में भाई। इसमें भी ये ज़रा हल्की सी ये भी भयंकर अपनी ड्रिफ्ट सी मार रही है, और भाई ये इधर गलत भिड़ने वाली है भाई, स्कॉर्पियो वाला सीन हो रहा भयंकर इसके साथ भी। तो भाई चलते हैं इसको जरा ऊपर लेके भाई दोबारा लाते हैं, देखते हैं कार कर पाएगी। ऑलराइट गाइस, हम अपनी स्कॉर्पियो N लेके फिर से वापस, और भाई ये लास्ट टाइम है क्योंकि भाई हमने पूरी रिपेयर करा दी है कार अपनी। अगर भाई अब कभी इसने जंप नहीं मारा तो भाई फिर बेकार है भाई कार अपनी। इस बार जो अपने स्कॉर्पियो भयंकर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो रहा, तो भाई इसको हम इधर से ऐसे जंप करा देते। बाकी भाई कार तो ठीक थी अपनी, लेकिन भाई अपनी कुछ इस रैंप पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही निकाल के खासी है। तो भाई इस कार को करते हैं अब आराम से नीचे पार को लाते हैं अपनी नेक्स्ट कार जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी भाई महिंद्रा वालों की, जरा इसका नाम देख लूँ मैं, Altura SG भाई इसका यही नाम रहता हर बार की तरह। बाकी भाई बात करें कार की तो भाई लग काफ़ी तगड़ी रही है कार अपनी लाइम ग्रीन कलर में एकदम, परफॉर्मेंस भाई पता नहीं क्या देगी क्योंकि भाई महिंद्रा वालों की किसी भी कार ने नहीं, भाई सिर्फ जो स्कॉर्पियो की सीरीज है भाई वो अपनी परफॉर्मेंस इधर बढ़िया नहीं देती निकाल के, बाकी सारी कार अपनी खतरनाक परफॉर्मेंस देती है। और भाई इसकी और बात कर लें तो भाई ये भी अपनी काफ़ी प्यारा जंप मार चुकी है कार, पता नहीं भाई साहब स्कॉर्पियो की सीरीज में क्या हो जाता है इधर भयंकर। बाकी भाई कार अपनी अभी तक ठीक जा रही है, और ये भाई पार्किंग के क्लोज में तो गिनने वाली है भाई, फिर भी हम इसे अंदर तक पहुँचा ही देंगे कार की। तो भाई ठीक भाई एक साइड से पूरी डैमेज हो चुकी है भयंकर, बाकी भाई कार अपनी एक साइड से ओके, एक साइड से काफ़ी गलत लेवल पर तो डैमेज हो चुकी है ये कार की बात करें तो अपनी ठीक ही चल रही है भाई, परफॉर्मेंस ठीक दे रही है अपनी निकाल के परफॉर्मेंस एकदम। तो इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, जिसमें अपने पास काफ़ी खतरनाक सी कार अपनी स्कॉर्पियो S11 टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर भाई लैंड क्रूजर अपनी टोयोटा फॉर्चूनर सिंपल वाली, ये अपनी भाई साहब कौन सा भाई महिंद्रा वालों का बलैरो कैंपर या टोयोटा टैकोबा, ये अपनी भाई साहब टोयोटा हिलैक्स, और भाई ये अपनी टोयोटा फॉर्चूनर काफ़ी खतरनाक ऑफ रोडिंग वाली। तो भाई ये अपनी सारी SUV और अपने ट्रैक है भाई, स्टार्टिंग करें तो अपनी ब्लैक कलर की फॉर्चूनर लेके चलते हैं ज़रा नीचे, देखते हैं भाई साहब अपनी फॉर्चूनर इधर क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई कार तो काफ़ी तगड़ी है, रैंप भाई उससे भी तगड़ा है अपना भाई, ये सीन नहीं चाह रहा मैं वो भयंकर हर बार अपनी SUV के साथ। राइट गाइस, हम अपनी फॉर्चूनर लेके फिर से वापस, और भाई अब के देख लेते हैं जंप कर जाएगी या नहीं, जो कि भाई कर तो गई लेकिन भाई आगे से काफ़ी गलत लेवल पर डैमेज हुई है भयंकर। बाकी भाई मेरे को नहीं लग रहा है फैक्ट्री के पास तक भी पहुँच पाएगी, और भाई ये काफ़ी दूर तो गिर रही है, काफ़ी नहीं लेकिन भाई थोड़ी दूर तो गिरी है अपनी फैक्ट्री से आगे, जो टारगेट है अपना फैक्ट्री के अंदर का वो अपनी फॉर्चूनर इधर कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो भाई चलते हैं इसको ज़रा अंदर लेकर, एक काफ़ी गलत एंट्री नहीं मारी भयंकर हमने अंदर की। बाकी भाई कार की बात करें तो भाई ब्लैक कलर में फॉर्चूनर लग काफ़ी तगड़ी रही है अपनी परफॉर्मेंस भाई कार ने, भाई परफॉर्मेंस काफ़ी ख़तरनाक दे रही है अपनी फॉर्चूनर निकाल के, जो कि भाई ब्लैक कलर में लग तो काफ़ी तगड़ी रही है कार अपनी। वैसे भाई बात करें स्पीड की तो वो भी ठीक है अपनी, और भाई अब भगाते हैं इसको ज़रा फुल स्पीड में इधर से बाहर की तरफ जंप कराते हैं, देखते हैं अपनी कार कर पाती है या नहीं, जो कि भाई करेगी चलो आराम से बढ़िया। तो भाई लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी लैंड क्रूजर की, देखते हैं भाई साहब अपनी लैंड क्रूजर इधर क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के।
भाई पता चली ये भी गलत लेवल पे ठोके, जो कि भाई ठोकने तो नहीं वाली, काफी आराम से तो जानी चाहिए। चलो भाई एक बार में लैंड क्रूजर अपनी चली गई, फिर ठीक ठाक सी स्पीड में जा रही है। चलो भाई उस वाली फॉर्चुनर से तो आगे ही गिर रही है, लेकिन भाई अपने मेन टारगेट पे कार चलो पहुंच गई भाई, इसे चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और भाई एक बात है, लैंड क्रूजर अपनी भयंकर किधर से भी गुजार लो भाई सब, ज़्यादा डैमेज नहीं होती है, एकदम सेफ आती है कान निकल के। बाकी भाई परफॉर्मेंस तो काफ़ी तगड़ी दी है भाई लैंड क्रूजर ने निकाल के, डैमेज नहीं हुई लेकिन भाई चल अभी भी काफ़ी तगड़ी रही है। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार को लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर की, देखते हैं अपनी लेजेंडर इधर क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के। भाई मेरे को डर है भयंकर गलत ना भिड़े नीचे जाके, जो कि भाई भिड़नी तो नहीं चाहिए। भाई हल्की सी डैमेज हुई थी भाई, देखो आगे डेंट भी आया होएगा भाई यार। बाकी भाई कार में बोलूँ तो ठीक जा रही है, ये अपनी फैक्ट्री के अंदर गिनने वाली है एकदम परफेक्टली। और कार तो भाई बाहर जंप मार रही थी, लेकिन भाई अपनी अंदर ही जंप मारा कान ने, चलो ठीक है। बाकी भाई कार अपनी पीछे से मैं देखूँ तो ओके, लेकिन भाई आगे से काफ़ी ज़्यादा हालत अपनी कार की इधर ख़राब हो चुकी है भयंकर। भाई फैक्ट्री में से गलत लेवल पर धुआं वो निकल रहा, लेकिन भाई हम किधर से चलेंगे ज़रा, इधर भाई फुल लोड वोड हो रहा है कुछ तो भयंकर। बाकी भाई कान ने अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया दी है निकाल के, तो भाई इसे भगाते हैं इधर से फुल स्पीड में, देखते हैं भाई साहब ये अपनी आराम से निकल जाएगी या नहीं। भाई निकल गई, चलो बढ़िया, लाते भाई नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपनी ऑल टाइम फेवरेट महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार है अपनी एकदम जेड ब्लैक में, भाई काफ़ी तगड़ा लुक आ रहा, तो इसको भी चलते नीचे लेके। लेकिन भाई अपनी भाई जो भी स्कॉर्पियो सीरीज अपने भाई ट्राई करी है, उसने परफॉर्मेंस एकदम बेकार दी है निकाल के। इसका सीन पता नहीं क्या होगा, लेकिन भाई इसके साथ भी वही सीन भयंकर। भाई एक और बार और ट्राई करते हैं स्कॉर्पियो को, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो की सीरीज पे नहीं टिक पा रही अपने रैंप पे। ऑलराइट गाइस, हम अपनी स्कॉर्पियो S11 लेके फिर से वापस, और भाई आपको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कार चली जाएगी या नहीं। चलो भाई इसने तो इतना तो जंप मारा भयंकर कम से कम, क्योंकि भाई हमने इससे पहले दो और स्कॉर्पियो ट्राई करी है, उन्होंने भाई कोई भी अपनी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी भयंकर निकाल के। चलो भाई कार अपनी ठीक जा रही है, और भाई ये काफ़ी अलग गिरी है अपनी फैक्ट्री से आके, तो भाई इसके परफॉर्मेंस का भी देने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब अपने बचे हैं सिर्फ ज़्यादातर ट्रक ही बचे हैं तीन। राइट गाइस, हम आ चुके हैं इस टाइम ऊपर, और भाई अब बारी अपने महिंद्रा वालों के कैंपर ट्रक की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है। और भाई बात करें तो अपने अब ट्रक ही बचे हैं, सिर्फ एक फॉर्चुनर बची है, उसे भाई हम लास्ट में लेके चलेंगे। लेकिन भाई अभी लेके चलते हैं अपने यार टोयोटा, भाई टोयोटा बोल रहा हूँ मैं, महिंद्रा वालों के कैंपर को, देखते हैं भाई साहब ये क्या परफॉर्मेंस देता है इसके। भाई साहब पार्ट तो काफ़ी अलग उड़ गए भयंकर निकल के, इंजन विंजन भी भाई गायब होगा मेरे को तो ऐसे लग रहा। काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दी अपने ट्रक ने निकाल के भयंकर, भाई काफ़ी स्लो मोशन में गिरा नीचे आ गए। तो भाई इसकी बात करें तो इससे नहीं हो पाया, तो इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट ट्रक अपना। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी है अपने टोयोटा वालों के टेकओवर ट्रक की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है। भाई ये दो टायर पर अलग ड्रिफ्टें मारता है, तो भाई इसका सीन पता नहीं क्या होने वाला। भाई ये भी नहीं भिड़े भयंकर गलत ही रैंप में, जो कि भाई भिड़ना तो नहीं चाहिए। चलो काफ़ी प्यारा खतरनाक सा तो जंप मार दिया अपने ट्रक ने, काफ़ी स्पीड में भयंकर जा रहा है ऊपर उड़ता हुआ ये। और भाई मेरे को लग रहा है फैक्ट्री क्रॉस तो आराम से कर जाएगा, क्रॉस तो कर जाएगा, या फैक्ट्री के अंदर गिर रहा है जाके। भाई इधर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कुछ भयंकर, भाई इधर गलत ही तार वार आ रहे हैं भाई बिजली के, भाई धुआं देखो क्या गलत निकल रहा। बाकी भाई अपने ट्रक की बात करें तो भाई परफॉर्मेंस मैं बोलूँ इसने ठीक ही दी अपनी निकाल के, भाई बलैरो कैंपर से तो सही है, भाई पीछे से डैमेज हुआ ट्रक अपना। बाकी ट्रक की बात करें तो भाई ओके एकदम, भाई भगाते हैं इसको भी फुल जरा, भाई भगाते हैं इसको फुल स्पीड में, इधर से निकालते हैं, देखते हैं भाई साहब ये क्या कर पाता है जिसने भाई साहब चलो जाली वाली तोड़ दी अपनी। तो भाई किसे करते हैं इधर ही पार को लाते हैं अपना नेक्स्ट ट्रक अब जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बारी अपने टोयोटा वालों की हिलैक्स की, जो कि भाई काफ़ी तगड़ा तो है ट्रक अपना, देखते हैं भाई साहब ये क्या परफॉर्मेंस देगा अपने को निकाल के, जो कि भाई ये भी काफ़ी भारी है। तो कैंपर वाला सीन ना हो तो बेहतर है, लेकिन भाई वही हुआ, हल्का सा भयंकर ये भी ठोका, काफ़ी गलत तो जा रहा है। और भाई काफ़ी क्लोज में भी गिर रहा है अपने, हाईवे पे गिरा है भयंकर आके। तो भाई इसके अगर परफॉर्मेंस निकलवाएं अगर हम, तो इतनी खास तो नहीं दी यार इसने निकाल के।
फैक्ट्री अपनी इधर से काफी दूर है, अगर इसे हम भगाएं तो भाई इतना भारी फेंक दे, अगर इसे भगाएं तो हम काफी खतरनाक परफॉर्मेंस देगा निकाल के। लेकिन भाई अपना जो टारगेट था वो आज का ये पूरा नहीं कर पाया, तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर, और भाई अब बची अपने सिर्फ लास्ट कार जो कि अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि भाई फुल्ली ऑफ रोडिंग मोडिफाइड है। हमने काफ़ी खतरनाक मॉडिफिकेशन कर रखी है इसमें, बात करें इसकी तो भाई ड्रिफ्ट व्रिफ्ट काफ़ी खतरनाक अपनी फॉर्च्यूनर हो सकती है ये, और भाई इसकी परफॉर्मेंस का भाई सीन पता नहीं क्या होने वाला है आज, निकल के आएगा क्या। तो भाई इसको भगाते हैं ज़रा फुल स्पीड, तो नहीं भाई स्पीड कम रह जाएगी, अब भगाएंगे भाई फुल स्पीड में ज़रा, जो कि भाई फॉर्च्यूनर काफ़ी तगड़ी तो लग रही है ऑफ रोडिंग वाली है, और भाई जंप तो इसने भी काफ़ी खतरनाक मारा वैसे अपनी कान ने, बाकी भाई जा भी ठीक रही है, तो मेरे को लग रहा है फैक्ट्री के ऊपर तो गिरेगी भाई, लग तो रहा है कि फैक्ट्री के ऊपर गिरे जाके, लेकिन भाई ये नहीं, सामने वाली जो एंट्रेंस है अपनी उधर गिरी है। बाकी भाई कार की बात करूँ तो मैं लैंडिंग में भाई बोलने वाला था अभी सेफ है, लेकिन भाई कुछ कद्दू सेफ नहीं हुई है काफ़ी भाई पीछे से, वैसे कार अपनी देखने में वो लोग की लगेगी एकदम बढ़िया है, लेकिन भाई आगे जो मत्थर डैमेज हुआ काफ़ी गलत लेवल पे हुआ वो भयंकर, और बाकी भाई तो दो दो पटरी बनी हुई है क्या ट्रेन की। तो गाइस तो भाई बात करें कार की परफॉर्मेंस की, तो भाई कार ने परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी दी है निकाल के अपनी। तो गाइस ये थी आज की अपनी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट बॉक्स में करना एक प्यारा सा कमेंट, अगर कोई भी भाई नया आया हो चैनल पे अपने तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नई खतरनाक सी रैंप की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।